हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अता कुटे मतलब अब कहाँ। तो दोस्तों, लेक ताहो सीरीज का हमारा आज सेकेंड डे है। कल हमने, आपने देखा ही होगा, हमने स्नो में पूरा खेला है। अगर आपने वो वाला व्लॉग नहीं देखा तो यहाँ पे एक लिंक आएगी ऊपर, तो जब आप वहाँ क्लिक करोगे तो आपको वो व्लॉग मिलेगा। तो आज का प्लान है गंडोला राइड। गंडोला राइड मतलब वो रोप वे से हम लोग ऊपर जाएंगे, पूरी बर्फ की पहाड़ी, एंड उस पे, उस पहाड़ियों के बीच लेक ताहो ब्लू वाटर का नजारा। तो चलो लेट्स गो। हम लोग अभी आए हैं हेवनली गंडोला राइड, तो वहाँ पे टिकट्स निकालने पड़ते हैं, तो अभी टिकट काउंटर पे चलते हैं। चलो ये देखो, यहाँ पे स्नो स्केटिंग चल रहा है। पूरा स्नो स्केटिंग, यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे वो सब रेंटल पे भी मिल जाता है। अगर आपको स्कीइंग करना है ऊपर जाके, तो पहले ही यहाँ से स्कीइंग का सब सामान रेंट आउट करना है एंड देन लेना है। ये देखो यहाँ पे टिकट काउंटर पे चलते हैं। ये है टिकट काउंटर, आप देखो वहाँ पे डिस्प्ले कर दिया है उन्होंने रेट्स, अगर दिख रहा है आपको। ये सब टिकट रेट है। चलो टिकट निकाल के फिर चलते हैं ऊपर। ये देखो ऊपर पहाड़ों पे पूरा स्नो है, अभी गंडोला करके ऊपर जाएंगे तो देखने मिलेगा। यहाँ पे ऐसे सारे शॉप्स हैं, देखो घरों के ऊपर, शॉप्स के ऊपर भी स्नो है पूरा। यहाँ पे भी देखो, हाँ हमारे सब बच्चे और ये लोग इधर बैठे, वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द टिकट्स, उसके बाद निकलेंगे। चलो अभी हमें टिकट्स मिल गए हैं, अभी चलते हैं गंडोला राइड की तरफ। लेट्स गो। गंडोला बोर्डिंग हो आ गया, अभी उतरना है। तो ये गंडोला राइड का फर्स्ट स्टॉप है, यहाँ पे ये ऑब्जर्वेटरी डेक है, तो यहाँ पे आके आप लोग जो भी सीनिक व्यू है वो एंजॉय कर सकते हो, एंड फिर उसके बाद ये गंडोला राइड और ऊपर लेके जाएगी। वहाँ पे रेस्टोरेंट भी है एंड वहाँ पे स्कीइंग वगैरह कर सकते हैं। तो चलो अभी यहाँ का व्यू एंजॉय कर। तो ये देखो यहाँ पे ऐसे पूरी
डेक ऐसे बनाया है, ऑब्जर्वेटरी डेक। यहाँ से ऐसे तुम लोग वो व्यू देख सकते हो, देखो कितना बढ़िया व्यू दिख रहा है, सबका फोटो सेशन भी चल रहा है। एंड यहाँ पे ऐसे टेबल चेयर्स भी है, सो दैट अगर आपको कुछ खाना है तो वो भी कर सकते हो आप। एंड वहाँ पे वॉशरूम्स भी हैं। तो लास्ट ईयर जब हम आए थे एक्चुअली, तब कोविड का थोड़ा टाइम ज़्यादा था तब, तो तब ये वाला जो रेस्टोरेंट है ये बंद था, ये कैफ़े। तो अभी यहाँ पे खुला हुआ है, यहाँ पे आप कॉफ़ी या कोल्ड ड्रिंक भी ले सकते हो। वहाँ पे वॉशरूम्स हैं और ये क्या ब्यूटीफुल व्यू। यहाँ पे ये सर एकदम बड़ा कैमरा लेके फोटोग्राफी चल रही है इनकी। और ये देखो इस साइड में ऐसे एक पहाड़ है, उस पे भी स्नो है पूरा। और ये हमारी पूरी गैंग, सबका फोटो सेशन चल रहा है, ये देखो। और कुछ लोग ऐसे भी बैकग्राउंड म्यूजिक देते देते शूट भी करते हैं। और ये देखो इनका कुछ तो शायद रील का प्लान चल रहा है। कौन सा रील बना रहे हो, कौन सा रील बना रहे हो? खुद ही बैकग्राउंड म्यूजिक देते हैं, खुद ही शूट करते हैं। खुद ही शूट करते हैं पूरा। वो पहले हरिश्चंद्र की फैक्ट्री। ये देखो इनका कुछ तो रील का चल, एक और सेशन चल रहा है। और ये हमारे बच्चे पूरे, ये देखो इस साइड में पूरा ये स्नो वाला पहाड़ है। अब हम लोग दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं, गंडोला राइड फिर से करके और ऊपर चलते हैं। चलो आ जाओ। ये देखो ये सब स्कीइंग का, ये लेके अभी ऊपर जाएंगे और स्कीइंग करेंगे सब लोग। ऐसे नीचे से ही स्कीइंग का सब सामान लेके जाना होता है। अभी हम लोग हम लोग ऊपर आ गए हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने पहले बोला स्कीइंग कर रहे हैं, और वहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पीछे वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है एंड बैठने के लिए जगह भी है। एंड ये देखो यहाँ पे ऐसे स्कीइंग हो रहा है और कुछ लोग वहाँ से देखो वो ऊपर से आ रहे हैं, ये देखो वहाँ से आ रहे हैं। तो ये लोग इस गंडोला में बैठ के, इसमें बैठ के ऐसे ऊपर चले जाएंगे और फिर वहाँ से आते हैं। ये देखो दिख रहा होगा आपको, वहाँ से लोग आ रहे हैं, वहाँ से आ रहे हैं सब लोग। बस यहाँ पे आपको स्कीइंग का अगर सामान चाहिए तो यहाँ पे रेंटल्स मिल जाता है, आप ले सकते हो। अभी ये देखो ये भी जा रहे हैं वो गंडोला में बैठ के।
चेयर सीट करके दिख रहा है, वहाँ पे जाएंगे ऊपर। अब हम लोग थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं, मतलब हमने जो भी खाना लेके आए हैं घर से पैक करके, वो हमने सोचा यहाँ पे बैठ के खा लेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे पूरा पब्लिक है। तो दोस्तों ये था लेक ताहो गंडोला राइड का व्लॉग। इनकेस आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। देखो यहाँ पे एक लेक एकदम फ्रीज हो गया है, लेक का आधा पार्ट, थोड़ा थोड़ा पार्ट उसका फ्रीज हो गया है वहाँ पे।